नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर। झारखंड में लंबे समय के बाद एक बार फिर से पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आयोग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। बता दें कि विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र तथा कंटेनमेंट क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा। आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड में पंचायत चुनाव 4 चरणों में होगा, जिसमें पहले चरण का मतदान 14 मई को करवाया जाएगा और इसका परिणाम जो है 17 मई को आएगा। तो वहीं दूसरे चरण का मतदान जो है 19 मई को करवाया जाएगा, इसका परिणाम 22 मई को आएगा। तीसरे चरण का मतदान 24 मई को करवाया जाएगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 27 मई को आयोजित किया गया है। इन दोनों चरणों का परिणाम 31 मई को आएगा। इसके साथ साथ विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार का चुनाव किसी दल के आधार पर नहीं होगा, यानी कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे का इस्तेमाल करते हैं तो यह गैरकानूनी होगा। आयोग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी कहा गया है कि पहले 2 चरण में मतदान की गिनती चुनाव समाप्त होने के साथ ही होगी, इसके बाद आखिरी के दोनों चरणों के मतों की गिनती आयोग की तरफ से एक तरह से कहें कि एक ही दिन होगी। आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी 2022 के भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी मतदाता सूची ही मान्य होगा। बता दें कि झारखंड निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। आइए अब जान लेते हैं पंचायत चुनाव में कितने पदों के लिए होगा चुनाव। बता दें कि पंचायत चुनाव में 4 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345 है, जबकि यहां वार्ड की संख्या 53,479 है। वहीं यहां मुखिया पद के लिए 4,345 पद हैं, जबकि पंचायत समिति सदस्य के लिए 5,341 पद हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए 536 पद हैं। वहीं अगर हम चरणवार प्रदेश में चुनाव की बात करें तो पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 1,127 पंचायतों में मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में 872 पंचायतों में मतदान होना है, जबकि तीसरे चरण में 19 जिलों में 70 प्रखंडों में 1,047 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है। वहीं चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों के 1,299 पंचायतों में मतदान होगा। आयोग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि जब आप नामांकन के लिए जाएंगे तो उस समय आपको शपथ पत्र या फिर स्वघोषित प्रमाण पत्र जो है वो भरना होगा। ऐसे में यह कहा गया है कि आप स्वघोषणा पत्र या फिर शपथ पत्र में किसी तरह की कोई गलती न करें। आयोग ने बताया है कि शपथ पत्र या फिर स्वघोषणा पत्र में अभ्यर्थी के लिए यह अपेक्षित है कि वे सभी कॉलम को भरें। शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र में यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो निर्वाचित पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को इस संबंध में नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के बाद भी अभ्यर्थी सभी दृष्टिकोण को पूर्ण शपथ पत्र या फिर घोषणा पत्र दाखिल करने में विफल रहता है तो समीक्षा के समय उनके नाम निर्देश को जो है एक तरह से कह लें अस्वीकृत किया जाएगा, यानी कि उनका नाम जो है कट जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें कि 4 चरण में पंचायत चुनाव कराने की बात कही गई है और साथ ही साथ कोरोना के गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। वहाँ इस बार भी जो है ईवीएम से मतदान नहीं होगा, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त, धन्यवाद।